जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत जहां लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है, तो वहीं इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को 5 लाख तक निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाता है। तो वहीं वाराणसी के अखरी बाईपास स्थित इंदिरा सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा IWFT से BPL आई योजना का करार हुआ है, जिससे गरीब जनता को कम पैसे में बेहतर इलाज प्रदान करना हॉस्पिटल की प्राथमिकता होगी। रोगी की सेवा, समाज की भलाई एवं राष्ट्र को समर्पित खुशहाल गांव की कामना के साथ गांव की जनता से अपील करता है कि आप अपना BPL आई कार्ड बनवाओ और इलाज के खर्चे की टेंशन से बचें। इस कार्ड की वैधता 5 वर्षों की होगी। इसे ₹110 प्रति व्यक्ति बनाया जाएगा। वहीं BPL आई हेल्थ कार्ड धारक को हॉस्पिटल में बिना लाइन में लगे तुरंत इलाज की विशेष सुविधा प्राप्त होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि BPL आई हेल्थ कार्ड जो हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए गरीब मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे में कि सीटी स्कैन का दाम, सर के सीटी स्कैन का दाम 1800 रुपया होता है, लेकिन मैं केवल 850 रुपया में कर रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड होता है 600 रुपया में, जबकि मैं 270 रुपया में करता हूँ। शुगर की जाँच होती है 100 रुपये में, जबकि मैं 40 रुपये में कर रहा हूँ। और जैसे सपोज करिए कि जैसे आपका ईगो हार्ट की जांच होती है 2500 रुपया 2000 में, मैं उसको 1200-1400 रुपया में कर रहा हूँ। इसके अलावा डेंगू की जांच होती है 1200 रुपये में, मैं उसको 500-550 रुपये में कर रहा हूँ। बाकी ICU का जो मेरा चार्ज होता है, मेरा ICU का चार्ज 3000 होता है, लेकिन जो भी व्यक्ति गरीब है अगर वो अपना BPL आई कार्ड बनवा लेता है तो ICU का चार्ज पूरा खर्च मिला लीजिए उसका मात्र 1200 रुपया ही आता है। और प्लस ICU चार्ज में जो ऑक्सीजन प्रति घंटा 100 रुपया लगता है, उसमें ऑक्सीजन आपका 48 रुपया प्रति घंटा ही लगेगा। एवरीथिंग सब मॉनिटर लेकर के नेबुलाइजेशन लेकर के सभी चार्जेज जो है कि आपका उसी में इंक्लूड रहेगा। अलग से कोई भी पेशेंट को चार्जेज नहीं देना होता है। BPL आई कार्ड का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी गाँव के या जितने भी लोग हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं, इसको बनवा लें। और किसी ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन भी मैं आधे से भी कम रेट में उसको कर दे रहा हूँ। ठीक, और भी जितने सुविधाएं हैं, आप खून की जांच है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, भर्ती है, ऑपरेशन किसी भी चीज इलाज का है, उस पर सब पे लगभग 60% तक उसमें छूट का डिस्काउंट मरीज को मिल जाएगा। ये मरीजों के लिए कार्ड भी बनवाएंगे क्या? जी, मरीजों के लिए हम लोग गाँव कैंप लगा करके मरीजों के लिए हम लोग काम कैंप लगा रहे हैं, जिसका कीमत 110 रुपया है। जो विधवा या जो गरीब या असहाय ऐसे लोग हैं, उनके कार्ड का हम लोग बनवाई कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, निःशुल्क ले रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे हैं जी। आयुष्मान भारत कार्ड जो योजना है वो केवल जो मरीज जो भर्ती होता है उसके लिए है ना। आयुष्मान कार्ड योजना जो भी मरीज आएगा उसको दिखाकर को जब भर्ती होगा तभी उसको आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता है। लेकिन जो BPL आई कार्ड है, जो पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दिखाता है, 20 रुपये पर टीका कटाएगा, फिर अपना खून का जांच कराएगा, दवा लेगा, सब कुछ पे उसके खून के जांच पे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे में सब कुछ पर छूट मिलेगा। मेडिकल से जो दवा लेगा उस पर भी उसको 12-15% छूट मिलेगा और ले करके दिखा करके चला जाएगा। जबकि आयुष्मान कार्ड योजना में केवल पेशेंट जब एडमिट होता है तभी उसको पूरा का पूरा लाभ होता है। आयुष्मान कार्ड योजना के कोई OPD में कोई भी उसका लाभ या बेनिफिट नहीं मिलता है। BPL आई कार्ड बनाने का क्या आधार है? कोई भी आके बनवा सकता है? जैसे मान लीजिए कि कोई पैसे वाला भी आके बनाएगा तो आप क्या उसको? नहीं नहीं, पैसे वाले नहीं। कैसे पता चलेगा कि वो गरीब है कि पैसे वाला है? जो उसके पास राशन कार्ड जो होता है, BPL वाला जो राशन कार्ड होता है वो रहना उसके राशन कार्ड वालों का ही? जी जी, उसके लिए वही है। ये सुविधा कब से लागू होगी जी? ये सुविधा कब से? ये सुविधा मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लगभग हमने 1500 कार्ड स्टार्ट बना चुका है।